वंस अगेन और शिमला की वादियों में शिमला की घाटियों में हम मजे लेते लेते जा रहे हैं। अब यहाँ से कुछ डेढ़ घंटे का रास्ता और बाकी है और कुछ 60 किलोमीटर स्टिल पेंडिंग। शिमला के लिए ये देखिए हमने अभी नया रास्ता चुना, नया रास्ता। ओहो शिमला मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू। सो याद आता है वो राजेश खन्ना का और शर्मिला टैगोर का गाना, और उनके साथ कौन थे वो जो जीप में बैठे थे, वो थे कौन थे गैस? हाँ आप कमेंट में लिख देना कि वो कौन साहब थे जो राजेश खन्ना का को ड्राइवर, यानी कि ड्राइविंग वही करते थे, पार्टनर था। हेलो गाइस वेलकम बैक, और हम एक्चुअल अब शिमला की ओर जा रहे हैं। हम लोग हम करीब 7 से 8 किलोमीटर बिफोर शिमला थे, और अभी एक्चुअली वी आर नाउ शिमला में। थोड़ा सा हॉल्ट लेके एक आध कुछ मौका मिला कुछ देखने करने का, साइट सीइंग वैसे तो सब देखा हुआ है। तो हम लोग आगे कुफरी या चैल के उधर रुकेंगे और बाद में नारकंडा, आवर प्लान इज नारकंडा। सो थोड़ा सा रास्ते का देखिए, हम मजा ले रहे हैं, आप भी मजा ले। और रोड कंस्ट्रक्शन इज गोइंग ऑन फुल स्विंग, बहुत अच्छा। देखो ये लगता भी नहीं है कि ये शिमला के रोड्स है, इतने ब्यूटीफुल बना रहे हैं लोग, एक्सप्रेस वे के जैसे ही बना रहे हैं। तो होप यू आर एंजॉइंग अवर वीडियोज, काइंडली इफ यू आर नॉट सब्सक्राइब टू माई चैनल काइंडली सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करो, और डिसलाइक अगर आपको पसंद भी नहीं आ रहा और आपने अपना टाइम कीमती टाइम मेरे लिए दिया है तो आप डिसलाइक करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इश्यू नहीं, उससे मुझे और मोटिवेशन मिलेगा कि आपने डिसलाइक क्यों किया है। तो आप जरूर कमेंट भी डालिए, थैंक यू, और आगे मिलते रहेंगे। इट्स कंटिन्यू, फोर डे फोर कंटिन्यू है। हेलो दोस्तों, वी हैव क्रॉस्ड शिमला। शिमला से हम लोग बाहर निकल चुके हैं और अभी हमने अच्छा हल्का सा लंच ले लिया है और अब नारकंडा की ओर जा रहे हैं। वैसे हम मेन शिमला में रुके नहीं क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ गाड़ियां दिख रही है पार्किंग की हुई, हमको भी पार्किंग कहाँ से मिलेगी, तो हमको कंपलसरी स्किप करना पड़ा। वैसे काफ़ी बार हमने शिमला देखा हुआ है, तो हम लोग ने यही किया है कि स्किप किया और अभी नारकंडा की तरफ। चलो वी विल एंजॉय नारकंडा। अभी रास्ता मस्त है, ट्रैफिक वाला है, देखो आप देख ही रहे आगे जेसीबी जा रहा है, और डॉक्टर साहब भी अपनी अपनी मस्ती में अपने व्लॉग्स बना रहे हैं पर्सनल व्लॉग्स वैसे है 60 प्लस है, 60 प्लस है, एज नहीं बोलने की ज्यादा, लेकिन चलो 50 से भी अंदर, 50 नहीं 40 से भी अंदर है। तो वो चूल जो है ना वो उनमें भी है, मेरे में भी है तो वी आर एंजॉयिंग, दोनों जन मजा कर रहे हैं। देखो ये साली लाइन लगी हुई शिमला की गाड़ी की पार्किंग यहाँ तक है, तो कहाँ अभी शिमला घूमे, ये ऑफ सीजन है, इसी हालत है, फुल सीजन रहेगा तो क्या होगा। फुल सीजन में दोस्तों एक ही काम करने का, फ्लाइट से आने का या प्राइवेट व्हीकल नहीं लाने का, टेंशन रहता है वो अपना। ये मेरी टिप है कि प्राइवेट अपनी खुद की गाड़ी नहीं लाने की, टूरिस्ट गाड़ी या एक्स वाई जेड जो भी आपको लेगा, अपना खुद का नहीं लाने का, सो यू विल बी फ्री ऑल द टाइम। क्या है वो बाकी का काम उनका काम हो जाने फिर है? तो आप बस ये टिप समझ लो। और अभी हम नारकंडा के लिए कुछ 55 किलोमीटर्स पे अपना बैलेंस है,
जा रहे हैं, आगे देखते रहिए, हम आपको कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा इन्फॉर्मेशन। और एंटरटेन करते रहे, थैंक यू। वेलकम फ्रेंड्स, हम वापस कुफरी में से तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, रास्ते में रास्ते का नज़ारा देखते हुए मजे ले रहे हैं, आपको भी दिखाना चाहते हैं एज प्रॉमिस्ड। ट्रैफिक के बीच तो हो सकता है आगे थोड़ा ट्रैफिक होगा ऐसा लग रहा है, मैप गूगल शोज गूगल माता शोज के थोड़ा ट्रैफिक है किधर, कुछ हो सकता है बिकॉज ऑफ कोई बड़ा ट्रैफिक व्हीकल हो उसके लिए भी कभी अटक जाता है ना, तो वो भी एक रीज़न, लेकिन मूविंग ट्रैफिक है इधर। यस, और इधर ट्विन टावर होटल, अरे बहुत सारी होटल्स वगैरह। कुफरी इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्नो प्लेस, इफ यू वॉन्ट टू एंजॉय स्नो यू हैव टू स्टे एट कुफरी और चेल। तो फिलहाल हम कुफरी से पास हो रहे हैं और काफ़ी सारा फॉग है, आप देखते हैं फुल ऑफ फॉग, और इधर टेम्परेचर भी काफ़ी लो है। और हमने हमारा एसी भी अंदर टेम्परेचर मेंटेन करता है, हमको इतनी अंदर दिक्कत नहीं है लेकिन बाहर काफ़ी ठंडा है। रस्ते भी इधर के अच्छे है शिमला में, अंदर इंटरनल कुफरी तक तो अभी अच्छे थे बिल्कुल, छोटा सा रास्ता है, ट्रैफिक तो रहना ही है, और मुंबई से भी ज्यादा मुझे तो बस्ती लगती है। सो एवरीथिंग इज कॉस्टली, इनफैक्ट मुंबई से ज़्यादा महंगा है, पानी गिनो तो पानी भी और बाकी जो भी ग्रॉसरीज होगा या होटल्स होगा फाइव स्टार हो। ये देखो रेडिसन, रेडिसन इन रेडिसन ब्रांड अच्छी है, ब्रांड है। बारिश है इधर हल्का हल्का, तो आगे मैं आपको और इन्फॉर्म करता हूँ, तब तक बाकी का मजा करिए। दोस्तों नारकंडा का रोड्स बहुत अच्छे हैं और बीच पे एप्पल ऑर्चर्ड्स आते हैं, अरे टेरिफिक व्यू है, आपको इधर से दिखेगा या नहीं दिखेगा लेकिन आई विल शो यू। मैं आपको एक छोटा सा उसका मैं एक ब्लॉग बनाता हूँ, तो आई विल डेफिनेटली शो यू। रास्ता देखिए, एंजॉय किए, समझिए उसको। तो मुझे कमेंट्स में आया था कि ये टाइगर टाइगर ये कौन सी व्हीकल है करके, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो टाइगर है मेरी व्हीकल का नाम रखा मैंने, और वो व्हीकल है टाटा नेक्सॉन, मेरी पेट्रोल व्हीकल है, और ये गाड़ी में इसका पावर टॉर्क बहुत अच्छा है, ऑटोमेटिक है, और सही में बहुत मज़ा आ रहा है। अभी तक तो टच वुड कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी स्लोप होने दो, इससे भी ज़्यादा स्लोप होने दो इश्यू नहीं है, तो बस एंजॉय करना है। अच्छा, इसका जो वीडियो है टाइगर के ऊपर, तो वो टाइगर को मैं आपको अच्छा मतलब मैं क्या लेके चल रहा हूँ, ये मेरी स्पीटी वैली की जो टूर है मुंबई टू स्पीटी, ये मेरा डे 4 है, तो एक आध बीच में जब मुझे टाइम एडजस्ट होगा तभी मैं आपको पूरा उसका सेटअप कैसा है, किचन सेटअप है, स्लीपिंग सेटअप है, तो वो पूरा सेटअप गाड़ी के अंदर कैसा क्या है मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो मैं आपको दिखा दूंगा उसका कॉस्ट भी क्या होता है, और आपको इजी हो जाएगा एज माय व्यूअर्स। तो ठीक है, आपको मैं एक व्लॉग में टाइम एडजस्ट होने में आपको मैं बना के दिखा दूंगा। या
तो ऐसे मतलब अभी तो रास्ता जो है एकदम खूबसूरत है, टोटल फॉगी है हमको राइट फ्रॉम कुफरी, शिमला के बाद कुफरी, कुफरी के बाद हमको टोटल फॉगी मिला और रोड्स आर ऑल्सो गुड। तो आपको मैं उधर पहुंचने के बाद, अभी मेरे ख्याल से 12 किलोमीटर है, तो जैसे हम नारकंडा पहुंचते हैं तो आपको मैं उधर का, अभी मैं बंद कर रहा हूँ, आपको उधर से मैं आपको कंटिन्यू करूँगा। थैंक यू। मैं ले ली तो सो नजारा ले लो। मैंने अभी एप्पल ऑर्चर्स का लिया है, मैं थोड़ा और एक मिनट, आपने देखा रहेगा जो नेट कवर्ड होता है, दैट्स वेयर यू हैव द एप्पल ट्रीज। यस, एप्पल ट्रीज। बर्ड्स या कुछ होगा उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, हर एक के पीछे साइंस होता है, तो कुछ वही चीज होगा इधर भी। बहुत करीब से दिखाया मैंने आपको। पानी आ गया या छोटे छोटे झरने सुंदर दिखाते हैं। महेंद्र ठार ठार ठार। क्या बात है, नैनो भी ये रोड पे फिर तो अभी बस हो गया इनफ। थार का कॉम्पिटिटर कौन है, नैनो है, बस हो गया इनफ नहीं। थार का कलर नहीं ले तो ब्लैक सा लग रहा है, ब्लैक मस्त लागे छे, ब्लैक मस्त लागे छे, ग्रेश ग्रे पर ग्रे पर बहुत है, लाल जो पर मजा नहीं आवी, ब्राउन लाइट नहीं से नहीं हूं, तुमने बता इस लाल नहीं। एप्पल ऑर्चर्ड्स सारा होटल सारा सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया आंचल में, सारा प्यार तुम्हारा मैंने बांध लिया आंचल अब 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 आओ आओ। क्या आया